नमस्कार, कार्यक्रम आरोग्य मंत्र में मैं मोनिका राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक्जिमा एक ऐसी बीमारी है जिसके जिंदगी में दस्तक देते ही जिंदगी मायूस हो जाती है, परेशानियों का सबब बन जाती है जिंदगी, जिंदगी पर गम के बादल छा जाते हैं और एक इंसान अपने आप को असहाय महसूस करता है। पर क्या वाकई में इस बीमारी के साथ इतना ज्यादा जूझने की जरूरत होती है या फिर इसका कोई एक आसान सा उपचार भी है आयुर्वेद में? आज इसी पर चर्चा करने के लिए, साथ ही साथ आपको और भी नई नई जानकारियां देने के लिए, आपको ये बताने के लिए कि आपके घर में, आपकी रसोई घर में ही बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको बड़ी से बड़ी बीमारी के लिए रोक सकती हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी का उपचार कर सकती हैं, हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में आ चुके हैं आयुर्वेद आचार्य प्रताप चौहान जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार। थैंक यू। आज जैसे कि प्रोग्राम की ओपनिंग में ही पता लग चुका है कि आज हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं और साथ ही साथ नई नई चीजों की जानकारी भी देंगे, तो अब आपका इंतजार यहाँ पर खत्म होता है क्योंकि वो नंबर मैं आपको बताने जा रही हूँ जो कि आपकी हर पीड़ा का उपचार है। नंबर है 01294040404। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आज हम एक्जिमा पर बात कर रहे हैं, किस तरीके की बीमारी होती है, क्या इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या इसके कारण होते हैं, सभी चीजें मैं चाहती हूं कि आज इस कार्यक्रम में हमारे दर्शकों तक पहुंचे। देखिए, सबसे पहले तो बीमारी ये जो है त्वचा से रिलेटेड बीमारी, हमारी जो स्किन है उसमें अगर छोटे छोटे से दाने निकलने शुरू हो जाएं, वहां खुजली होने लगे और कई प्रकार का एक्जिमा होता है। मुख्य रूप से दो प्रकार का काफी प्रचलित है, जिसमें कि एक ड्राई एक्जिमा होता है, एक वेट एक्जिमा होता है। ड्राई का मतलब कि वहां पर जो है जो दाने निकलते हैं वो सूखे रहते हैं, और वेट का मतलब उसमें पानी निकल आता है, कई बार पस निकलने लगता है, और ज़्यादा उसमें खुजली करें तो कभी कभी खून भी आने लगता है उसमें। और बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम होती है, बच्चों में भी आमतौर पर देखने को मिलती है, छोटे छोटे बच्चों में कई बार एक्जिमा हो जाता है, कई बार जन्म के पश्चात भी जो है बच्चों के त्वचा में कहीं एक्जिमा हो जाता है। और जैसा कि हम इसको आयुर्वेद की दृष्टि से अगर देखें तो कारणों की अगर बात करें तो मुख्य रूप से तीनों दोष ही इसमें जो है कारण बनते हैं। वात की वजह से भी होता है, बात की वजह से होगा तो ड्राई होगा, पित्त की वजह से होगा तो वो थोड़ा सा उसमें जख्म बनेगा, उसमें कुछ जो है पस निकलेगा, खून भी आ सकता है। और जब कफ की वजह से होता है एक्जिमा तो वहाँ पर थोड़ा सा त्वचा जो है मोटी हो जाती है, दाने हो जाते हैं मोटे मोटे, उसमें ब्लड वगैरह नहीं आता, पानी भी नहीं निकलता और सूखा भी नहीं रहता है, वो थोड़ा बीच का रहता है, कुछ हल्का सा जो है ह्यूमिडिटी लिए हुए, थोड़ा सा गीलापन लिए हुए, लेकिन मुख्य उसमें लक्षण जो है कि खुजली ज़्यादा होती है और मोटापा वहाँ हो जाता है, सूजन ज़्यादा हो जाती है वहाँ पर। आंतरिक लेवल पर देखें, अगर आयुर्वेद की भाषा में बात करें तो हमारी जो त्वचा है उसकी 7 परतें होती हैं, 7 layers ऑफ द स्किन आयुर्वेद में डिस्क्राइब किए। तो तीसरी लेयर के अंदर जब हमारे दोष जा करके स्थापित होते हैं, पहली छोड़ करके, दूसरी छोड़ के तीसरे में जब जा करके वो स्थापित होते हैं तो वहाँ पर रोगों का जो एक पैदा होना होता है वो एक्जिमा के रूप में वहाँ रोग पैदा होता है। इसलिए गंभीर है क्योंकि पहली दूसरी तीसरी लेवल में पहुंच गए, तो थोड़ा सा गंभीर इसलिए है कि जब चिकित्सा की बात आती है तो टाइम लगता है इसमें। ऐसा नहीं है कि आपको दवाई दी और एक हफ्ते में एक्जिमा ठीक हो गया। खास तौर पर लोगों का ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों का ठीक हो जाता है लेकिन किसी पर्टिकुलर सीजन में फिर दोबारा आता है, क्योंकि एलर्जन जो है वो आउटर है, जैसे ह्यूमिडिटी वाला मौसम आया, बरसात वाला, तो फिर वापस आएगा। किसी को सर्दी में आ जाता है, किसी को गर्मी में आ जाता है। तो इस प्रकार से ये रोग है, इसको समझने का कोशिश आप करें, मैंने समझाने का आपको प्रयास किया है, उपचार भी इसके बताएंगे, लक्षण भी बताएंगे कि क्या क्या लक्षण इसमें होते हैं और कैसे उपचार इसका आप कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें हम कंटिन्यू करेंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनसे बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, आप अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार जी, मैं उत्तरांचल से मोहन बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। हेयर प्रॉब्लम है, मेरे हेयर फॉल प्रॉब्लम है, मेरे बाल झड़ रहे हैं। अच्छा। एक ये पिछले 3 महीने से झड़ रहे हैं और ये मेरे रुक नहीं रहे बाल। देखो, बाल झड़ने का जो कारण है मुख्य रूप से, जो मैंने पहले भी कई बार बताया है कि बाल जब झड़ते हैं तो या तो पोषण की कमी है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है प्रॉपर, क्योंकि बालों की जो हमारी जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो कमजोर हो जाती हैं, तभी बाल जो है गिरता है, या फिर जो है हम जो है उसकी देख रेख में कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। पोषण की कमी 2 प्रकार से हो सकती है, इंटरनल भी, खाने पीने में अगर हमारा जो भोजन है उसमें प्रोटीन की मात्रा कम है या हम जो कुछ पोषक तत्वों को नहीं खा रहे हैं प्रॉपरली, उसकी वजह से भी हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि
एक्सटर्नल पोषण भी आपके बाल को चाहिए जो कि तेल से मिलता है। तेल जो है, चाहे सरसों का तेल हो, तिल का तेल हो, नारियल का तेल हो, आयुर्वेद में हमारे यहाँ जीवा में हमने कई प्रकार के तेल बनाए हैं बालों के लिए, जैसे कि जीवा का भृंगराज तेल बहुत अच्छा है, जीवा का आंवला तेल बहुत अच्छा है, ये मेडिकेटेड ऑयल्स हैं जिनमें जड़ी बूटी डाल करके हम बनाते हैं। तो तेल बालों में लगाना बहुत आवश्यक होता है। आजकल जो है एक नया प्रचलन है कि लोग बालों में तेल लगाते ही नहीं, उनको थोड़ा सा ड्राई या सूखे बाल ज़्यादा अच्छे चाहिए, बल्कि शैम्पू लगाते हैं। शैम्पू से कहते हैं कि बाल थोड़े सॉफ्ट एंड सिल्की हो जाते हैं। बाल को सॉफ्ट एंड सिल्की क्यों होने चाहिए, मेरे को समझ नहीं आया, मेरे को आज तक नहीं समझ आया ये। बहुत मैंने बहुत लोगों से सुना है, ऐड भी देखता हूँ, सॉफ्ट एंड सिल्की। भाई बाल जैसा है वैसे ही रहने दो उसको, उसको सॉफ्ट एंड सिल्की क्यों बेचारे के पीछे पड़े हुए, उसके उसको दिन भर केमिकल रगड़ते हैं उसमें, पता नहीं क्या क्या लगाते हैं उसको सॉफ्ट एंड सिल्की, उसमें फ़र्क क्या पड़ेगा। हमारे यहाँ हमारी किचन में बहुत सारी चीज़ें सॉफ्ट एंड सिल्की, अगर आप बाप को बाल बनाने तो आप दही से बाल धोइए। हम आयुर्वेद में बोलते हैं अपनी त्वचा पर, अपने स्कैल्प पर कोई भी ऐसी चीज मत लगाइए जो आप खा नहीं सकते हो। दही खा सकते हैं तो दही से बाल धोइए, वो अंदर जाएगी तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन केमिकल आप खा नहीं सकते तो केमिकल से क्यों बाल धो रहे हो। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए तो आप बाल आपके वापस आ जाएंगे। आंवला खाना शुरू करिए रोज, एक चम्मच आंवला सुबह शाम चूर्ण के रूप में आप सेवन करिए, साथ में जीवा से हेयर केयर पैक आज ही मंगा लीजिए फोन करके और तुरंत ऑर्डर करिए, पूरा उसमें सारा सामान है, आपको समझाया जाएगा, बाल आपके रुक जाएंगे, बिल्कुल कोई घबराने की बात जी, बिल्कुल भी हताश होने की जरूरत नहीं। अगर कोई भी समस्या है, कोई भी पीड़ा आपको आती है, कोई भी तकलीफ आती है सेहत से जुड़ी हुई, तो ये मंच आपके लिए ही है, ये कार्यक्रम आपके लिए ही है, इसीलिए आप जल्दी से फोन उठाइए, आप बिल्कुल भी इंतजार मत कीजिए और अपने बीमारी को हमारे साथ बांटिए। आपकी जो भी सेहत से जुड़ी परेशानी है उसको जीवा के डॉक्टर्स हैं उनके साथ बांटिए, वो खुद आपको फोन करेंगे, बस आपको अपनी कॉल रजिस्टर करानी है। नंबर है 01294040404। तो अभी यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मजा आएगा, जल्द हाजिर होते हैं।